हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जिसने काफी सारे लोगों के माइंड में अपना घर बना लिया है, पेड ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स। ये एक वेबसाइट है और बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि ये रियल है या नहीं। ये वेबसाइट ये दावा करते हैं कि आपको $36 मिलेंगे पर आवर और आपको क्या करना होगा, एक राइटिंग जॉब करनी होगी, वो भी सिंपल सी बस, और आपको कुछ नहीं करना है और आपको एवरी आवर का $36 मिलने वाले हैं। तो ये वेबसाइट सच में इतना पे करती भी है या नहीं, क्या इस पे आपको वर्क करना चाहिए या नहीं, और क्या इस पे वर्क करते टाइम आपकी कोई इन्वेस्टमेंट लगेगी या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको जल्दी से लाइक एंड शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको और भी ऐसे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से वीडियोस मिलती रहे रिलेटेड टू रिव्यूज, वीडियोस, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स एंड मच मोर। तो चलिए अब जल्दी से हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का नाम है पेड ऑनलाइन राइटिंग jobs.net। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आजकल बहुत सारे लोगों के बीच ये बातें चल रही है कि ये वेबसाइट रियल है या फेक है, क्योंकि यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है कि आप पर आवर $36 की अर्निंग कर सकते हो, और वो भी कैसे, सिर्फ छोटा और इजी राइटिंग जॉब्स करके। और यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा क्विज लेना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये देखने के लिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो पहले आपको क्विज देख यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा आप एलिजिबल हो या नहीं। तो यहाँ पे इनका ये क्विज है, सिंपली अपना जेंडर यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, उसके बाद करना है नेक्स्ट, अपनी एज चूज करनी है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, जॉब आपके पास है या नहीं है वो चूज करके नेक्स्ट कर देना है। अब आपकी फ्रीलैंसिंग राइटिंग की जो एक्सपीरियंस लेवल है वो आपको लिख देना है, बिगनर, एडवांस, इंटरमीडिएट। तो मैं यहाँ पे एडवांस कर रही हूँ। आपको काम कैसा चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए, वो यहाँ पे सिलेक्ट करके फिनिश कर देना है। अब यहाँ पे लिखा आया है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, फिल द जॉब इंटरव्यू ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड स्टार्ट वर्किंग टुडे, क्लिक हियर टू फिनिश योर एप्लीकेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया है कि हाँ आप एलिजिबल हो यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को फिनिश करो। अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जब आप इनकी लिंक देखोगे तो क्लिक बैंक यहाँ पे आपको शो होगा, तो ये एक्चुअल में कोई वेबसाइट नहीं है, ये क्लिक बैंक का एक प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग जानते होंगे क्लिक बैंक एक अफिलियट मार्केटिंग प्रोग्राम है, अफिलियट मार्केटिंग हब भी आप उसको बोल सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको आप बाय एंड सेल करवा सकते हो। वो चाहे तो सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे सेलिंग कोर्सेज भी हो सकते हैं, तो ये उन्हीं का एक हिस्सा है, ये उन्हीं का एक प्रोडक्ट है जिसको आप डिजिटल प्रोडक्ट बोल सकते हो। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बाय करना होगा, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं, आप यहाँ से अर्निंग करोगे भी या नहीं। ये चीज मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, क्योंकि इसी चक्कर में मेरे एक सब्सक्राइबर फंसे हैं और उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि इन्होंने पैसे तो ले लिए, बट एक ढंग का जो होता है ना कि आपको ढंग की चीजें सिखाई जाए कि राइटिंग जॉब्स में क्या क्या चीजें जरूरी होती है, एक प्रॉपर कोर्स टाइप तो कुछ तो ट्रेनिंग दी जाए आपको, कुछ नहीं था। उससे ज्यादा तो आप YouTube से वीडियोस देख देख के सीख सकते हो, YouTube की वीडियोस जो फ्री वीडियोस आपको मिलती हैं, ठीक है, जिसमें आपको पेमेंट नहीं करनी होती, उनसे भी बेकार यहाँ पे ट्रेनिंग मिली थी। तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल वाहियात है, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप इसमें अपना पैसा वेस्ट करो। और सिंपल सी चीज, अगर आप यहाँ पे जॉब लेने आए हो, इनके फर्स्ट पेज पे कहीं भी आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपको ये कोई कोर्स है या ये कोई प्रोडक्ट है आपको खरीदना है, इसको नहीं, सीधा सीधा आपको क्या बोले जाएगा, आप अगर एलिजिबल हो तो आपको $36 पर आवर की अर्निंग का यहाँ पे एक ऑफर मिलेगा। ऑफर और इन्वेस्ट मतलब किसी चीज को बाय करने में फर्क होता है, एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो ना इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। कम से कम आप इस चीज पे तो ध्यान दो कि जो लिंक बन रही है वो एक्चुअल में क्या लिंक, वहां पे शो क्या हो रहा है। बहुत बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो लिंक पे कभी ध्यान नहीं देते कि लिंक्स में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। साफ साफ लिखा है रीडायरेक्ट क्लिक बैंक, तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बाय करो जिसके लिए आप खुद 100% श्योर नहीं हो कि हाँ वो काम करेगा। और सबसे मेन चीज,
ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स के लिए आपको कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे आप कर सकते हो। और मेनली ना ये वेबसाइट भी यहाँ पे भी आपको ठीक है थोड़ी बेकार ट्रेनिंग है, बट ट्रेनिंग आपको यहाँ पे भी मोस्टली वही मिलेगी कि फ्रीलैंसिंग वेबसाइट्स पे जाके आप अर्निंग कर सकते हो। तो वो चीज़ तो यूट्यूबर्स आपको फ्री में बता रहे हैं ना। यहाँ पे आप सर्च करो गूगल पे फ्रीलैंसिंग साइट्स फॉर बिगनर्स। अगर आप इंडिया में हो थोड़ी सी और डीप सर्च करना चाहते हो तो इन इंडिया लगा दो। अपवर्क, अपवर्क में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आई नो, तो कोई बात नहीं, फ्रीलैंसर को ट्राई करो। अगर आप डिज़ाइनिंग में अच्छे हो, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह अगर अलग अलग डिज़ाइनिंग में अच्छे हो, 99designs.com ट्राई करो, freelancer.com, toptal.com, ठीक है, गुरु वर्क एंड हायर, बहुत सारी ऐसे आपको वेबसाइट्स फ्रीलैंसर की देखने को मिलेंगी जो बिगनर को एक बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स दिलाती हैं। और अगर आप उनकी मेंबरशिप ना भी खरीदो तो भी आपकी वहाँ पे अर्निंग होती है। हाँ, बस आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि आपको खुद को प्रमोट करना पड़ता है सोशल मीडिया पे। आपको वहाँ पे अपने प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाने होते हैं। स्टार्टिंग में कुछ लोगों का फ्री में काम कर दो, क्या जा रहा है? थोड़ी सी हम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, क्या जा रहा है फिर उसमें? दो चार लोगों का अगर आपने काम फ्री में कर दिया तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि वो काम करना कैसे है। अगर उस काम में कोई गलती बाई चांस इन केस हो जाती है तो उसको आप ठीक टाइम पे ठीक कैसे कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आप फ्री में काम करोगे, बट जब कोई क्लाइंट आपको पैसे देगा ना तो वो गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सब चीजें ना आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। आपको 100% परफेक्ट काम करना आ जाएगा और आपको बिना किसी भी वेबसाइट की मेंबरशिप के अच्छे से अच्छे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ना आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना इनमें। सिंपली आपको क्या करना है, सर्च करो कि इंडिया में बेस्ट फ्रीलैंसिंग वेबसाइट्स कौन सी हैं बिगनर्स के लिए, उसमें से एक चूज करो जो आपको अपने हिसाब से सबसे ज़्यादा सुटेबल लगती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लिस्ट लेके आऊँ टॉप 5 फ्रीलैंसिंग वेबसाइट्स फॉर बिगनर्स इन इंडिया, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगी। उनमें से एक वेबसाइट चूज करो जो आपको अपने तरीके से इजी लग रही है, उसका इंटरफेस आपके लिए इजी हो, कोई भी चीज़ ना मैसअप ना हो, उसको चूज करो। अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ, अपनी सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हो, या फिर आप नई आईडी क्रिएट कर सकते हो जिसमें प्रॉपर आप एक प्रोफेशनल ऑनलाइन राइटर के जैसे खुद को प्रेजेंट करोगे। वहां से आप कुछ लोगों को फ्री में काम करके दो, वहां से आपको रिव्यूज अच्छे मिलेंगे, रेटिंग्स अच्छी मिलेंगी, वो आपका जो भी काम होगा उस पर रिव्यू करेंगे, रेटिंग्स करेंगे। और लिंक्डइन पे जरूर से ये चीज करना, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सब यार करो ना करो, अगर आप करियर की बात कर रहे हो तो लिंक्डइन पे जरूर से करो। और जब आपको अच्छे रिव्यूज मिलने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे फ्रीलैंसिंग वेबसाइट पे भी काम मिलने लगेगा, क्योंकि उसमें जो एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन होता है ना, उसमें आप अपना पोर्टफोलियो रखोगे कि आपने कौन कौन सा काम किया है, कितने आपको रेटिंग्स मिली हैं, ये सारी चीजें वहां पे भी शो होंगी। वहां से लोग आपके सोशल मीडिया आइकन्स पे क्लिक करके आपके अच्छे अच्छे रिव्यूज, अच्छे अच्छे रेटिंग्स को देख सकते हैं और वो आप पे ट्रस्ट करके आपको वर्क देंगे भी। तो एक पूरी स्ट्रेटेजी हमें बनानी होती है, तभी जाके ऑनलाइन में आपको अर्निंग होती है। ऐसा नहीं है आज आप आए, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, वो भी बिना स्ट्रेटेजी के, आपको कुछ पता ही नहीं कि कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, और फिर भी आपकी अर्निंग होगी। ऐसा ऑनलाइन में नहीं होता है। आपको ना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होता है, चाहे आपका काम कोई भी हो, कॉपी पेस्ट का हो, या फिर आपका आर्टिकल लिखने का हो, या फिर आपका CPA मार्केटिंग का हो, अफिलियट मार्केटिंग का हो, या एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का हो, हर चीज में एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। अगर आपको वो स्ट्रेटेजी पता है तो आप 100% उस चीज में सक्सेसफुल होगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट 100% होगे जरूर। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको जरूर से लाइक एंड शेयर करना अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, ताकि अगर वो भी ऐसे किसी प्रोडक्ट पे अपने पैसे बर्बाद करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलने वाला है, कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलने वाला है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी अमेजिंग सी वीडियोस मिलती रहें रिलेटेड टू वेबसाइट रिव्यूज, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एंड मच मोर। तो चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।